हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह से स्थानीय विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज फिर चर्चा में आ गए। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों से संवाद में वो एक कक्षा में गए और बच्चों से बात करने लगे। हंसराज ने एक छात्र से कुछ सवाल किया जिसका जवाब दूसरा छात्र देने लगा और हंसने लगा तो विधानसभा उपाध्यक्ष ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद हंसराज ने बच्चों को नसीहत दे डाली, आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या हुआ। तेरे को ठंड होती है, बीमार है, क्या हुआ? बुखार का लोग क्यों नजर आ रहे तुम है? मैंने कहा है जिसको पूछा जाए उसी ने जवाब देना हो। खाओ का हंसना नहीं होता है। यहाँ कोई मदारी का खेत चला हुआ है, तो खेला चला हुआ दिन भाई यू आर लाफिंग। क्लास में भी तुम लोग ऐसे करते होंगे। जिसको जब जब जो जो पूछा जाए, जो यहाँ चार कोर्ट की तरफ देख रहा है वही हम लोगों को देखना है। मोबाइल किस किस के पास है, हाथ खड़ा करे। मैंने बैग भी चेक करने हैं, कौन कौन लाया था, जैसे दुर्भाग्यवश लाया था। हाथ खड़ा करो जल्दी, मुझे पता है किस किस के पास है। फिर निकलेगा तो फाइन होएगा। खड़ी हो तू, कहे को हंस रही है, खड़ी हो। कहा है तुम्हारा मोबाइल? मोबाइल दिखा अपना। नहीं है तुम्हारे पास है, खड़े हो जाओ। किस लिए लाए थे मोबाइल? हाँ जी, तूने काहे को बनाना, अपने बाप को बोल मत। तूने काहे को बनाना, अपने बाप को बोल मत। तूने काहे को बनाना, अपने बाप को बोल मत। ब्रदर को बोल मत। कौन सी क्लास में है? तो आपने देखा कि किस तरह से बिगड़े बोल है विधानसभा उपाध्यक्ष के। और अब आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि स्कूलों में अध्यापक अगर विद्यार्थियों की पिटाई करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन विधानसभा उपाध्यक्ष ऐसा बर्ताव करेंगे तो कानून की परवाह अध्यापक भी क्यों करेंगे। फिलहाल आप ये कॉमेंट्स देखिए जो कि सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं अब हंसराज पर। सैनिक स्कूल रैला में जो हमारे डिप्टी स्पीकर हंसराज जी का प्रोग्राम था, मैं उस जो उन्होंने उस क्लास में आकर बच्चों की क्लास ली, देखा, देखी और जो वीडियो बनाई गई है, जिसने भी वीडियो बनाई गई, शरारती तत्वों ने जो वीडियो बनाई गई है उसका मैं विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। क्योंकि मैं रियाज मोहम्मद उस लड़के का बाप हूँ और मैं इस फेसबुक के माध्यम से लाइव हूँ। और जो भी मेरे बच्चे के साथ कुछ भी नहीं किया है, एक प्यार मोहब्बत के साथ उन्होंने मेरे बच्चे के साथ जो है हाथ लगाया है। और इस उस प्यार मोहब्बत की जो है जिस भी सोशल मीडिया ने, शरारती तत्वों ने जो कुछ झूठ मुद्दा उठाया है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मैं उनका इस वीडियो का खंडन करता हूँ। तो आपको ये जानकारी दे दें कि जिस बच्चे को हंसराज जो कि विधानसभा उपाध्यक्ष उनकी तरफ से थप्पड़ मारा गया, उनके पिता का कहना था, आपने सुना कि उनके पिता ने क्या कहा। विधानसभा उपाध्यक्ष की तरफ से छात्र पर हाथ उठाने के मामले ने अब तूल पकड़ ली है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ ही गौरव शर्मा ने भी अपना रिएक्शन दिया है। और इसके बाद आपको हम बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि इससे पहले जयराम सरकार के मंत्रियों ने कहां कहां पर गलत शब्दों का उपयोग किया था। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। वो जो विधानसभा के उपाध्यक्ष है, मुझे लगता है कि उनको किसी अस्पताल में जाकर जो है, मेंटल हॉस्पिटल में जाकर जो है अपना इलाज करने की आवश्यकता है। अनशंट बयानबाजी करते हैं समय समय पर। कभी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के बारे में टिप्पणियाँ करेंगे, कभी जो है वो मंच के ऊपर से जो है अफसरों को लताड़ेंगे, कभी जो है वो अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात करती है
उन मूल्यों की बात करती है और एक पार्टी विद डिफरेंस ऑफ थॉट की बात करती है। उनके डिप्टी स्पीकर पहली दफे कोई कंट्रोवर्सी में नहीं है। आपने देखा होगा पिछले दिनों महीना डेढ़ महीना पहले उन्होंने एक ऐसा ही इंसिडेंट किया महिला के साथ, वो वायरल हुआ चैट, और वो वायरल होने के बाद तो कहां तो उन पर एक्शन होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के अगले दिन कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री के साथ वो स्टेज पे हंस रहे थे। वो सारी घटनाएं घटी, वो अनेकों सी घटनाएं ये आपके माध्यम से उजागर हुई है, ये वाली जो पिछले कल की घटना है, ऐसी हजारों घटनाएं उनकी हैं जो उजागर नहीं हो पाती है। अब आप देखिए पिछले कल वो स्कूल में गए, वहां पे जो उनकी भाषा शैली है, आप एक डिप्टी स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशनल बैठे हो, तू तड़ाका बच्चों के साथ कर रहे हो, क्या आप उसी स्कूल की हालत देख लीजिए। आपने देखा होगा कैसे बच्चे नीचे बैठे हैं और चिपक चिपक के बच्चे उन्होंने बैठाए हुए, वो कोविड पे भाषण दे रहे हैं और बच्चों का डिस्टेंस आप देख लीजिए, और उनकी दैनिक स्थिति स्कूल की देख लीजिए, वहां पे वो तू तड़ाक बच्चों से कर रहे हैं और बच्चे को थप्पड़ मार रहे हैं। आप बताइए डिप्टी स्पीकर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे व्यक्ति बैठा हुआ है, वो उसकी भाषा शैली उस तरीके का कहां तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसे हटाना चाहिए, हमने मांग की है कल। देखिए जो एक वीडियो वायरल हुई है कल वो मैंने भी देखी, और जिस तरह से एक संवैधानिक पद पर जो आसीन व्यक्ति है वो स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए जाते हैं, और जिस तरह की बदतमीजी वो बच्चों के साथ स्कूल में कर रहे हैं, जिस तरह का अभद्र व्यवहार बच्चों के साथ स्कूल में कर रहे हैं और बच्चों के साथ जिस तरह से मार पिटाई उन्होंने की है, मैं समझती हूँ ये बहुत ही निंदनीय कार्य जो है उन्होंने किया है। तो आपने देखा कि तीनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की तरफ से या फिर नेताओं की तरफ से क्या क्या कहा गया। मंत्रियों की जुबान फिसलने के मामले आपको बताते हैं, महेंद्र सिंह ठाकुर के बिगड़े बोल। हिमाचल के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने भी बीते साल उपचुनाव से पहले दरअसल कुल्लू में एक जनसभा को संबोधित किया था, और इस जनसभा में महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा था कि शिक्षकों ने कोविड काल में मजे लिए हैं, यानी कि काम उनकी तरफ से नहीं किया गया, और उनकी तरफ से कहा गया था कि वैक्सीन के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स वो बन चुके हैं। शिक्षकों पर तंज कसा था और इस पर पूरे प्रदेश भर में विवाद हुआ था। हालांकि बाद में सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से उनके इस बयान पर सफाई दी गई थी। तो आपको और जानकारी देते हैं कि इससे पहले और किस किस मंत्री की तरफ से क्या क्या बयान सामने आया था। फिलहाल सुरेश भारद्वाज जो कि हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं सुरेश भारद्वाज, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया था जुब्बल कोटखाई में, विधानसभा उपचुनाव जब थे तो उनकी तरफ से जनसभा की गई थी, और अपनी जनसभा में भी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा था कि क्षेत्र में ठेके अब बीजेपी प्रत्याशी नीलम सराय के कहने पर मिलेंगे, और इस बयान से पूरे प्रदेश में फिर बवाल मच चुका था। पूरे प्रदेश में विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, और सीएम जयराम ठाकुर ने हालांकि बाद में उनके इस बयान पर स्पष्टीकरण दिया था। और इसी तरह का मामला कल भी सामने आया जब विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने स्कूल पहुंचकर कुछ बच्चों से बात की। तो चलिए आपको फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ तमाम पार्टियों के प्रवक्ता जुड़ना शुरू हो चुके हैं, और उनसे हम रिएक्शन लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हंसराज जो कि उनकी तरफ से आप अभी भी फिलहाल तस्वीरों में देख रहे हैं कि बच्चों से किस तरह से सलूक किया गया, बर्ताव किया गया। कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ नरेश चौहान जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो इसको किस तौर पर देखते हैं। नरेश चौहान जी, एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है चंबा से विधानसभा उपाध्यक्ष का, आप इस वीडियो को उनके इस बर्ताव को किस तौर पर देख रहे हैं? देखिए ये किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति हो इसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये बहुत गलत आचरण था हंसराज जी का, खास तौर पे आप जो है पब्लिक के नुमाइंदे हैं, लोगों ने चुने हुए विधायक हैं, और आप एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में डिप्टी स्पीकर है विधानसभा में, और आप एक रेप्यूटेड पार्टी के मेंबर है, और आप मुझे समझ नहीं आता इस प्रकार का बिहेवियर कैसे कर सकते हो। और खास तौर पे जो आप देखिए हमारा कानून है बच्चों के सुरक्षण का, कि आप टीचर्स भी बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते हैं, उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, तो ये किस प्रकार की मानसिकता एक चुने हुए विधायक की है जो बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, या वो नशे में चूर है सत्ता के, तो ये बात बहुत ही गंभीर है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करती है कि ऐसे विधायक के खिलाफ नैतिकता के आधार पे अर्जेंटली इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, इनको अपने पद से हटाना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कानूनी तौर पे भी इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जी ठीक है, कार्रवाई की मांग आप करें। आप फिलहाल
एक सवाल आपसे ये है, क्योंकि इस वीडियो को भी हमने दिखाया, लेकिन इस वीडियो के बाद जिस बच्चे को थप्पड़ मारा गया हंसराज की तरफ से, जो कि विधानसभा उपाध्यक्ष है, उनके पिता का वीडियो भी सामने आ रहा है। पिता का ये कहना है कि मैं इस पर कोई आपत्ति नहीं जताता। ये अलग बात है कि आप दबाव में आके उनके पेरेंट्स से आप किस तरह का काम करवा रहे, ये सवाल नहीं है कि पेरेंट्स ने FIR दर्ज करवाया या नहीं करवाया। सवाल है नैतिकता का, सवाल है कि आप किस तरह से, किस राइट के साथ आप गए वहाँ और किस राइट के साथ आप बच्चे को थप्पड़ मार रहे हैं। ये नैतिकता के आधार पे ये कहाँ बैठती है ये बात? आप खुद एक नुमाइंदा लोगों को रिप्रेजेंट करते हो, आपकी सोच क्या है? और उसके फादर ने FIR दर्ज की, केस दर्ज किया नहीं किया वो अलग इशू है, ये करते या नहीं करते वो इशू नहीं है। इशू बड़ा गंभीरता का है कि आपकी मानसिकता क्या, आपकी पार्टी की सोच क्या है, आप करना क्या चाहते हो, आप नशे में हो, इसके सत्ता के नशे में हो, ये हमारा सवाल है। हम मांग करते हैं, उसके पिता नहीं करते, लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के विपक्ष के नाते हम मांग करते हैं कि ऐसे आदमी को जिसका कोई नैतिकता ना हो, उनको एकदम से ऐसे पद पे रहने की कोई गरिमा ही नहीं है, इसको पद की गरिमा नहीं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी को इसमें देखना चाहिए, इनकी पार्टी को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, आपने अपनी मांग रख दी कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि चाहे कुछ भी कर लो, विपक्ष हमेशा से राजनीति ही करता है, बयानबाजी ही करता है। अब देखिए मैडम जी, विपक्ष राजनीति करता है। हमने हंसराज जी को बोला था आप स्कूल में जाइए और आप इस तरह का आचरण करिए, आप बच्चों के साथ गलत बिहेवियर कीजिए, उनको थप्पड़ मारिए, इस पे भी कांग्रेस का हाथ है कुछ? ये भी कांग्रेस ने करवाया क्या? आपके लोग कंट्रोल में नहीं है, आपके सरकार कंट्रोल में नहीं है, प्रशासन कंट्रोल में नहीं है, आप गलतियां आपके लोग करेंगे। तो हम विपक्ष में बैठे जनता की आवाज है, हमको जनता की आवाज उठाएंगे तो उसको बोलेंगे राजनीति करते हैं? मेरी तो समझ में नहीं आता बार बार भाजपा के लोग और सरकार इस तरह की बयानबाजी करके क्या दर्शाना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप इसको देखें कि मुख्यमंत्री आगे आके बोलते कि मैं इमीडिएटली इस पे जांच पठाता हूँ कि असलियत क्या है और कार्रवाई करता हूँ, बजाय इसके इस बात को कांग्रेस के लिए पोस रहे हैं कि कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है। अब भैया आप ना करते ये तो कांग्रेस को मौका ही ना मिलता। जी चलिए, शुक्रिया आपका जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत जमकर हो रही है और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने भी सरकार पर तंज कसे, साथ ही विक्रमादित्य सिंह भी अब बरसते नजर आए, और आपने सुना कि नरेश चौहान ने भी क्या कहा।